नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सभी को मालूम होगा पिछले काफ़ी दिनों से यह कयास लगाई जा रही थी कि इनको खेल रत्न मिलेगा, इनको खेल रत्न मिलेगा, राइट, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा, इनको अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड्स, राइट। तो फाइनली जो खेल मंत्रालय है, युवा मंत्रालय है, उन्होंने एक तरह से पूरी की पूरी सूची, पूरी की पूरी लिस्ट जारी कर दी है कि किन किन पर्सन्स को खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा और किन किन पर्सन्स को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा और किन किन पर्सन्स को अर्जुन अवार्ड एंड ध्यानचंद अवार्ड, राइट, किन किन को दिया जाएगा। यह सब कुछ युवा मंत्रालय, खेल मंत्रालय ने भारत सरकार के द्वारा जारी कर दिया है, राइट। तो आज अपन इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। कहीं कोई कन्फ्यूजिंग्स हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। स्टार्ट करते हैं, एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें, देन वीडियो को शेयर करें, एंड अच्छा लगे तो लाइक बटन पर भी जरूर प्रेस कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट तक पहुँचे, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊँ एक चीज, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपका राजीव गांधी, दिस इज द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बाकी आप चीज पढ़ें या ना पढ़ें कोई मैटर नहीं करता, इसको पढ़ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स में इन्हीं में से ही क्वेश्चंस पूछता है, यही एक पर्टिकुलर एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है स्पोर्ट्स रिलेटेड, राइट। तो राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। बाकी चीज़ अगर आप देखें तो वेल एंड गुड, नहीं देखें तो कोई बात नहीं है, इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राइट, 2020 का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए यह एक क्रिकेटर्स यानी कि रोहित शर्मा को कयास लगाए जा रहे थे, राइट। कुछ दिनों पहले उसका उनका नाम भी आया था, राइट। तो फाइनली रोहित शर्मा को खेल रत्न का अवार्ड दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स में 100% क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 5 पर्सन्स है जिनको ये खेल रत्न दिया गया है, याद रखिएगा। फर्स्ट है आपके रोहित शर्मा, जिसको हिटमैन शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, मरियप्पन टे, राइट, यानी कि पैरा एथलीट्स है, इनको भी दिया गया है। मनिका बत्रा जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है, उनको भी दिया गया है। एम एस विनेस, राइट, रेस्लिंग्स में यह बिलोंग, इनका प्रोफेशन से, खेल से बिलोंग करती है। और एम एस रानी रामपाल, राइट, ये हॉकी से बिलोंग करती है, इनको भी आपकी खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। पेंट ये आपकी 5 नेम है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई भी चीज़ आप करना चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, राइट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो के बने रहिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में यहीं से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए 1990, राइट, राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है 1991 से आपके 1992, राइट, ये इनका ईयर है, फर्स्ट प्राइज इसको यहाँ पर दिया गया था, यानी कि इसको, यानी कि कहे सिंपल लैंग्वेज में तो इसकी शुरुआत आपका यहीं से ही हुई थी, 1991-92 से। पहला पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, राइट, विश्वनाथन आनंद आपने नाम सुना है, यह एक शतरंज प्लेयर है, राइट, बहुत ही माइंडेड, राइट, इनको पहला पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का पहला पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है। यह एक पुरुष की श्रेणी में, अगर महिला का पूछे तो महिला की श्रेणी में कर्णम मलेश्वरी, राइट, कर्णम मलेश्वरी जो कि एक भारोत्तोलन में पार्टिसिपेट करती है, उनको महिला की श्रेणी में पहला पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था, महिला का पूछे एग्जाम्स में किसको, कर्णम मलेश्वरी को, पुरुष का पूछे पहला किसको, विश्वनाथ आनंद को, जो कि एक आपके चेस प्लेयर यानी कि शतरंज के खिलाड़ी थे और
कर्णम मलेश्वरी की कौन सी आपकी भारतोलन खिलाड़ी थी, राइट। याद रखिएगा दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, ओके। अब देखिए अपन रोहित शर्मा की बात करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स इनको किस लिए दी गई, अभी आपको मालूम होगा 5 शतक कंटिन्यू वर्ल्ड कप में लगाई गई थी, तभी से इनका नाम इनके खेल रत्न के बेसिस पे जाना गया था, राइट, जाना जाएगा, राइट। 5 शतक आपकी एक वर्ल्ड कप में लगाने के लिए इनको खेल रत्न आईसीसी की तरफ से भी इनको अवार्ड्स दिया गया है, राइट। तो इसी के बेसिस पे क्रिकेट में इनके यह एक चौथे प्लेयर बने हैं, राइट, फोर्थ प्लेयर बने हैं, याद रखिएगा। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, चौथे प्लेयर, इट मीन्स आपकी फोर्थ प्लेयर बने हैं रोहित शर्मा क्रिकेट की श्रेणी में आपकी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले। फर्स्ट माइडी रेस्पिनिश में आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ, फर्स्ट मिला था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, राइट। सेकंड मिला था माय डियर एस्पिरेंट्स कैप्टन कूल एमएस धोनी, राइट। एंड थर्ड मिला था विराट कोहली, जो कि इंडियन टीम के कैप्टन हैं विराट कोहली, इनको थर्ड पोजीशन। एंड की तीसरा मिला था राजीव गांधी, एंड चौथा मिला है आपका आपका रोहित शर्मा को। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, ओके, ओनली फॉर क्रिकेट की। सचिन तेंदुलकर को मिला था 19, सचिन तेंदुलकर को माय डियर स्प्रिंट्स मिला था 1997-98 के बेसिस पे, राइट। 2007 में आपको एमएस धोनी को, राइट, एंड 2018 में आपको मिला था चीकू यानी कि विराट कोहली को, जो कि इंडियन टीम के कैप्टन है, याद रखिएगा। एक वन मोर थिंग्स, एक और चीज इंपॉर्टेंट बताते चलूं, पहले खेल रत्न की प्राइस थी 7.5 लाख रुपए, देन अब इसको इंक्रीज करके 25 लाख रुपए माय डियर स्पॉन्सर कर दिया है, राइट। 25 लाख रुपए जो खेल मंत्री आपके मालूम है किरण रिजिजू, राइट, किरण रिजिजू जो कि खेल मंत्री हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर जो अवार्ड से उनकी प्राइसेज बढ़ा दी है 7.5 से 25 लाख रुपए कर दिया है, लगभग 70% का इंक्रीमेंट कर दिया है प्राइस पे, राइट। याद रखिएगा जो खेल जगत में सबसे बड़ा सम्मान कहा जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ओके। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई है, सब कुछ और भी आपको जानना है राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इस प्राइस पे। बाकी ओवरऑल मोटा मोटी मैं डिस्कशन यहाँ पर कर चुका हूँ, ओके। तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा जहाँ आप नोट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर जो जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई है, ओके। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वह क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, तो उनको क्रिकेट के जगत में कितना खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा चौथा दिया गया है, ओके। तो ये तो थी आपके राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में, एंड आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये देख लीजिए द्रोणाचार्य पुरस्कार है लाइफ टाइम कैटेगरी, इसमें एक तो होता है लाइफ टाइम कैटेगरी, एक होता है रेगुलर कैटेगरी, दो कैटेगरी में ये दिया जाता है। इसके बारे में कुछ अपन जानने की यहाँ पर मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। ये आप ओनली फॉर नेम देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, सर बता दीजिए इन पुरस्कार के बारे में क्या है, क्या कब से दिया गया था। जैसे मैंने खेल देखिए राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में मैंने इसलिए डिस्कशन किया है ताकि एग्जाम्स में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से ही बनता है, द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्ड ध्यानचंद पुरस्कार इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मोस्टली नहीं बनते हैं, कभी कभार बन जाते हैं बट मैं ऐसा नहीं कर रहा नहीं बनते हैं, राइट, कभी कभार बन जाते हैं बट ज़्यादातर चांसेस राजीव गांधी खेल रत्न के ही हैं, राइट। अगर आपको चाहिए इन पर्टिकुलर वीडियो सेपरेट वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपको जरूर दे दूंगा, ओके। तो लाइफ टाइम्स कैटेगरी में श्री धर्मेंद्र तिवारी, पुरुषोत्तम राय, शिव सिंह, श्री रमेश भट्ट, श्री कृष्ण कुमार हुड्डा, विजय बालाचंद्रन, नरेश कुमार, ओम प्रकाश दहिया, राइट, इनको ये पुरस्कार दिया गया है लाइफ टाइम के, राइट, लाइफ टाइम कैटेगरी में। और रेगुलर कैटेगरी में देखिए ये आपके रेगुलर कैटेगरी में है योगेश मालवीय, जसपाल राणा, कुलदीप कुमार हुड्डा एंड श्री गौरव खन्ना, राइट, ये आपकी रेगुलर कैटेगरी में। दोनों में डिफरेंस है, माय डियर स्पिरिट्स पहले इसकी अमाउंट थी लाइफ टाइम की 5 लाख रुपीज, देन इसको भी बढ़ा के अब कर दिया 15 लाख रुपीज का,
अमाउंट्स का ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंट में न्यूज में रहा था तो इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके, और रेगुलर कैटेगरी में 5 लाख पहले था, अब इसको रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपए कर दिया है, याद रखिएगा। ओके, आपको लिस्ट चाहिए तो लिस्ट आपको पीडीएफ में फॉर्मेट में मिल जाएगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं लिस्ट आपको सारी की सारी दे दूंगा। कि ये आपके अर्जुन पुरस्कार हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, याद रखिएगा। श्री अंतनु दास जो कि एक आर्चरी है, दूति चंद जो कि एक धावक है, एथलीट है, श्री सात्विक श्री बैडमिंटन प्लेयर है, चिराग चंद्रशेखरन शेट्टी ये भी आपके बैडमिंटन प्लेयर है, श्री विशेष भृगुवाक्सी राइट ये भी आपकी बास्केटबॉल प्लेयर है राइट, मनीष कौशिक बॉक्सिंग प्लेयर है, लवलीना बारगम्मा आसाम की प्लेयर है, एक बॉक्सिंग प्लेयर है, श्री ईशांत शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं उनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, दीप्ति शर्मा, श्री सावंत, अजय अनंत, श्री संदेश झिंगन, अदिति अशोक, ये सारे आप नाम देख लीजिएगा, नीचे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपको दे दूंगा, ये लिस्ट भी आपको दे दूंगा। ओके, पीडीएफ फॉर्मेट में अर्जुन पुरस्कार जिनको दिया गया है, याद रखिएगा। और जी अर्जुन अवार्ड की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10-15 लाख रुपये, और 10 लाख 15 लाख रुपये कर दिया है। ओके, और ये आपका ध्यानचंद पुरस्कार है, देख लीजिए टोटल 15 नेम है ध्यानचंद पुरस्कार में, कुलदीप सिंह, जेने प्रिंस, प्रदीप श्री कृष्ण खंडित एंड त्रिपुति राइट, त्रिपुति मुर्गे ये एंड उषा राइट, ये आपके नाम है जो कि ध्यानचंद पुरस्कार। अभी आपको मालूम होगा 19 अगस्त को खेल दिवस के रूप में बनाया जाता है राइट, अभी जो 19 अगस्त को। ओके, खेल रत्न तो ध्यानचंद जो एक हॉकी प्लेयर हैं उनके नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है, इनका जन्म दिवस आता है आपके 19 अगस्त को, याद रखिएगा। ओके, तो इसकी भी राशि आपकी 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए कर दी है, याद रखिएगा। ओके, तो ये तो था आपकी पूरे के पूरे ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन अवार्डी, ओके, द्रोणाचार्य एंड राजीव गांधी खेल रत्न, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने अच्छे से डिस्कशंस की है इनके ऊपर। अगर आपको चाहिए वीडियो तो बता दीजिएगा, मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा। ओके, ये वीडियो भी बना के दे सकता हूँ। तो वीडियो को एंड अप करते हैं, प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रिच है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी एक बार जरूर कर दीजिएगा चैनल्स को, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग्स। आपकी कोई कमेंट्स हो, कोई डाउट्स हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।